गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए, तो बच्चे इससे पहले वीडियो में हम जान रहे थे कि प्रश्नावली जो हमारा चल रहा था 20.8, उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से यदि आपके पास युगपत समीकरण है और उसको हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं, और उस पर जो आधारित सवाल थे उसको भी हमने आपको सॉल्व करवाया था और आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व किए होंगे। अब चलिए आज हम समझते हैं कि विलोपन विधि, यानी यदि आपको कोई युगपत समीकरण दिया जाता है तो उसको हम विलोपन विधि से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि का जो मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई समीकरण दिया गया है, युगपत समीकरण है, तो उसको जोड़ने अथवा एक दूसरे से घटाने पर जो आपका एक चल पद होता है वह क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो उसमें से क्या करते हैं, एक पद को विलुप्त करके एक का हम मान निकालते हैं, और उसके बाद जब एक का मान हमें पता चल जाता है तो हम दूसरे का भी मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, और इसी प्रकार से आपको सारे सवाल को सॉल्व करना है। आपका जो पहला सवाल है वह है आपका एक्स प्लस वाई बराबर 7, और दूसरा आपको समीकरण दिया गया है वह है 2x - y बराबर आपका है। यह मान लीजिए आपके पास समीकरण है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप जो बच्चों इस समीकरण को हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हमको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाए। तो बच्चे देखिए, आप जिस प्रकार से उसमें मानते थे कि मतलब जो आपका समीकरण ऊपर दिया गया उसको समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण, यह देखिए बच्चों 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, रेखा के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे एक चर क्या आपका x है और दूसरा y है, और दूसरा वाला भी समीकरण हमारा क्या है 2x, और x हमारा क्या है चर पर, और y आपको यहाँ पे चल पड़े। तो क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। तो बच्चों अब देखेंगे हम कि अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो इसमें कुछ कटता है, यानी कुछ आपका कैंसिल हो जाता है और कि नहीं। अगर मान लीजिए आपका जोड़ने पे कैंसिल नहीं होता एक समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ, तो हम क्या करते हैं उसको घटा कर भी देखते हैं, चाहे हम पहले में से दूसरे को घटाएंगे या तो दूसरे में से पहले समीकरण को घटाते हैं। अगर आपका जब नहीं वहां पे आपका कोई पद आपका कैंसिल नहीं होता है तो उसके लिए हम कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। तो लेकिन आपका जो सवाल है इसमें देखिए, अगर हम इस समीकरण को पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए हमारा x प्लस में है, यहाँ x हमारा भी क्या है प्लस में, तो 1x और 2x मिलकर हमारा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यानी हम जोड़ेंगे तो इसको हम इसी तरह तो लिखेंगे, एक्स प्लस 2x लिख सकते हैं, या इस समीकरण को हम पूरे तरीके से लिखे। तो अगर पहले समीकरण को दूसरे समीकरण को जोड़ने के लिए बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला समीकरण x प्लस वाई और दूसरा जो है वह क्या है 2x - y, यानी इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हम हटाएंगे, ब्रेकअप को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, इस चिन्ह का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ हमें किसी भी चिन्ह की गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम जानते हैं जब प्लस में किसी भी का गुणा करते हैं तो जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह रहता है, यानी प्लस से गुणा करने पे हमारा कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2x और माइनस हमारा हो जाएगा y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 1x और यहाँ पे हमारा 2x है, तो 2 और 1 x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा प्लस y है और यहाँ हमारा क्या है माइनस y, तो इससे क्या आ जाएगा समान है और चिन्ह विपरीत है, तो आपको क्या हो जाता है कैंसिल यानी कट जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे इस समीकरण को हल करेंगे तब, तो यहाँ पे मार लेंगे हल ही चलिए करते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे एक बार पहले सवाल को फिर से लिखेंगे, तब वहां पे हल लिखेंगे, उसके बाद समीकरण को लिखेंगे, उसके बाद मानेंगे समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने
तो और मान लीजिए आपको सीधे इस तरीके से जोड़ना नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई और प्लस टू एक्स माइनस वाई, यानी बाएं तरफ का जो लिखा गया पार्ट है पद है इसको बाएं तरफ जोड़ेंगे और जो दाएं तरफ लिखा गया उसको हम दाएं तरफ ऐसे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ जोड़ते हैं तो हम यहाँ जो प्लस चिन्ह है कोष्टक को हटाएंगे तो कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस दो एक्स माइनस वाई बराबर आठ और सात हमारा हो जाएगा पंद्रह। अगर देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस दो एक्स, दो एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, समान चिन्ह है तो जुट जाता है। प्लस वाई यहाँ देख प्लस दो एक्स सॉरी दो और एक एक्स कितना होगा हमारा तीन एक्स होगा, और यहाँ देखिए प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल करेगा समान है, तुमको तीन एक्स मिल गया, कितना तीन एक्स बराबर कितना मिल गया हमारा पंद्रह मिल गया, और एक्स बराबर हमको कितना मिल जाएगा बच्चों पंद्रह बटे तीन हो जाएगा, और एक्स बराबर जब पंद्रह में तीन से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमको एक्स का मान मिला वह कितना मिला है, पाँच मिला है, और हमें वाई का भी मान चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, यक्स का मान समीकरण एक में रख करके हम क्या कर लेंगे, वाई का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण एक में यक्स का मान रख लेंगे, देखिए समीकरण हमारा एक क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों सेवन, और x का मान हमें कितना मिला है पाँच, तो हम लगा देंगे x के स्थान पे कितना पाँच प्लस y बराबर सेवन, तो y बराबर हमारा हो जाएगा सेवन माइनस टू सॉरी सेवन माइनस फाइव, तो y बराबर हमको हो जाएगा सात में से पाँच घटाएंगे तो हमको मिलेगा दो, यह हमारा हो गया y का। तो बच्चों आपको क्या करना है, बस केवल जो आपको दो पद दिए जाएंगे उसमें से आपको देखना है कि कोई ऐसा पद है जो दोनों समीकरण में है और उसका चिन्ह क्या है, विपरीत है, उनमें से किसी एक का चिन्ह विपरीत है, तो अगर मान लीजिए विपरीत रहेगा तो उसको हम जोड़ देंगे, और मान लीजिए विपरीत नहीं रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी एक का मान निकालेंगे जोड़कर या घटा करके, उसमें से आपको क्या करना है, एक पद को क्या करना है विलुप्त करना है, यानी उसको कट काटना नहीं उसको निकाल देना है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए किया, यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ा तो एक पद हमारा क्या हो गया, विलुप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई था यहाँ पे हमारा प्लस वाई था, तो कट के क्या हो गया समाप्त हो गए। तो हमने यहाँ दो एक्स और एक एक्स मिले तीन एक्स, एक्स का मान हमने आसानी से यहाँ प्राप्त कर लिया, तो जब एक्स का मान मिल जाएगा हमको तो किसी भी समीकरण में हम रखकर एक्स का मान रख करके वाई का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल हम आपको चैप्टर का बताते हैं, तो आज हम चैप्टर सॉल्व करेंगे, चैप्टर इसी चैप्टर का पांचवा नंबर का जो सवाल है उसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो चलिए बच्चों अब देख इसको हम रेस कर देते हैं, तो पांचवें नंबर सवाल में आपसे कहा गया कि हल कीजिए, क्या करना है सवाल को हल करना है, तो हम आपको उसको विलोपन विधि से किस तरीके से हल करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए आपका जो सवाल है x माइनस वाई बराबर हमारा है दिया गया है चार, और दूसरा जो हमको समीकरण दिया गया है वह दिया गया है एक बटे दो एक्स प्लस एक बटे दो वाई बराबर दिया गया है छः। अब देखिए बच्चों इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से, इसने भी कहा गया है तो हम इसको चाहे जिस विधि से कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं आज विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, तो हम इस सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करें। देखिए बच्चों चलिए हम हल करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको समीकरण मानेंगे एक, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा आया अंक में और बटे में दिया गया है, तो हम पहले क्या करेंगे इसको समीकरण बनाएंगे, तो देखिए नीचे वाला हल हमारा सेम है, तो हम इसको जब एक्स में एक का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और वाई में एक का गुणा करेंगे तो वाई, और नीचे हमारा सेम है तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बटे दी बराबर
अब देखिए बच्चों, छह के बटे हम एक मान सकते हैं और इसका हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज गुणनखंड जिसे कहते हैं। तो बच्चों जब हम x प्लस वाई में एक का गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में चाहे वह चर पद हो चाहे वह अचर पद हो, अगर एक का गुणा करते हैं तो एक ही होता है। और यहाँ पे दो में दो का गुणा जब हम छह में करेंगे तो दो छक्का कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अभी देखिए बच्चे हमारा समीकरण कितना हो गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पे जो पहला पद है यानी समीकरण का जो बायां पक्ष है उसमें देखिए x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में यानी चिन्ह समान है। और दूसरा पद देखिए यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे हमारा प्लस वाई है। तो अगर हम समीकरण को जोड़ते हैं तो हमारा वाई वाला टर्म क्या होगा, कट के खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लें। तो क्या करेंगे बच्चों, जो आपका बायां पक्ष है वो बायां पक्ष में ऐड करेंगे और जो दायां उसको दायां पक्ष। तो हमारा यहाँ पे क्या है x माइनस वाई को ब्रेकअप में लिख देते हैं, प्लस यहाँ हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हटाएंगे ब्रेकअप को, x माइनस वाई यहाँ देखिए प्लस है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो चिन्ह के साथ है ब्रेकअप के अंदर जिस चिन्ह के साथ उसी तरीके से हम उसको लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो बराबर यहाँ पे 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस एक्स और प्लस एक्स, यहाँ पे एक एक्स कितना एक्स हो गया 2x और यहाँ प्लस वाई माइनस वाई है और यहाँ हमारा प्लस वाई, यह क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तुमको यहाँ पे मिल जाएगा 2y बराबर हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16/2 और 16 में हम 2 से भाग देंगे तो x का मान जो हमको मिल जाएगा वह कितना मिल जाएगा 8। तो x का मान बच्चे हमें कितना मिल गया 8 मिल गया। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चे, हम इसी x के मान को क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रख के हम क्या कर सकते हैं y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम x का मान रखते हैं समीकरण 1 में, यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए बच्चे यहाँ हमारा समीकरण जो 1 है इसको हम लिख लेते हैं, x माइनस y बराबर कितना है 4। अब यहाँ x के स्थान पर भी कितना रखना है 8 रखना है जो हमें मिला है सॉल्व करने पे। तो यहाँ जगह रखेंगे 8, यहाँ जगह माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे इस 8 वाले को हम जो हमारा अचर पद है उसको ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए बच्चे 4 में से हम 8 को घटाएंगे तो आप जानते हैं कि मान लीजिए जो संख्या ज्यादा रहती है ज्यादा का चिन्ह लिखते हैं घटाना है और ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ज्यादा का चिन्ह यहाँ पे क्या है माइनस 8 में से हमारा क्या जाएगा 4 जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना 4 बचेगा और यहाँ हमारा है माइनस वाई, तो देखिए माइनस दोनों तरफ है तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल भी हो सकता है। तो हमें वाई का मान कितना मिल गया बच्चों 4 मिल गया। तो इस प्रकार से यह हो गया आपका सवाल का हल, जो हमको मिला है यक्स का मान कितना मिला है 8 मिला है और y का जो मान मिला है हमारा 4 मिला है। बच्चे देखिए इसी प्रकार से आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सवाल को इसी तरीके का उपयोग करके आपको इस सवाल को क्या करना है सॉल्व करना है। अब चलिए बच्चे देखते हैं इसी प्रकार से आपका जो दूसरा सवाल है उसको भी हल करते हैं और बाकी सवाल को आपको स्वयं करना है।
तो देखिए बच्चे जो आपका दूसरा सवाल है वह आपका है एक्स इक्वल टू यानी एक्स बराबर माइनस वाई प्लस एक, एक समीकरण आपको यह दिया गया है और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वह दिया गया है दो वाई बराबर एक्स माइनस चार। इस समीकरण को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम किस विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। तो हम लिखेंगे हल और इसको हम मान लेंगे, अभी तो हमारा समीकरण देख लीजिए है नहीं अच्छे तरीके से, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में पहले हम व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों अगर इसको हम जो हमारा यहाँ पे दाएं पक्ष में अचर चर पद है इसको हम ले आएंगे बाएं तरफ, तो जब हम इसको बाएं तरफ ले आएंगे तो हमारा माइनस एन माइनस वाई है तो इधर आएगा तो हमारा आ जाएगा प्लस वाई, तो हमारा बन जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा, इसको हम मानेंगे समीकरण। और यहाँ पर देखिए जो हमारा दाएं पक्ष में कितना एक्स है इसको भी लाएंगे हम बाएं तरफ तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस एक्स है, इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दो वाई माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस, यह हो जाएगा हमारा समीकरण दो। अब बच्चे देखिए अगर पहले समीकरण में हम देखते हैं ध्यान से, तो हमारा क्या है प्लस एक्स है प्लस वाई है, और दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष में देखते हैं तो दो वाई प्लस में है और यहाँ माइनस एक्स है, तो यहाँ पर देखिए प्लस एक्स और यहाँ हमारा क्या है माइनस एक्स, यानी हम जब समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो हमारा एक पद इसमें से क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस समीकरण को क्या करेंगे जोड़कर हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने, क्या करने पर जोड़ने पे, चलिए इसको हम जोड़ते हैं एक्स प्लस वाई प्लस टू वाई माइनस एक्स बराबर हमारा यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों एक प्लस माइनस छः। अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा इसमें एक फर्क पड़ता है, ब्रेकेट को हटा देते हैं हम, लेकिन यहाँ देखिए हमारा प्लस है तो ब्रेकेट के अंदर जो कुछ भी है जिस चिन्ह के साथ उसी चिन्ह के साथ हम उसको लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दो वाई माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ ब्रेकेट में हमारा माइनस चार है और यहाँ हमारा प्लस है, तो जब ब्रेकेट हटाएंगे तो यहाँ इसका गुणा होगा, तो हम जानते हैं प्लस और माइनस का जो गुणा होता है क्या होता है माइनस होता है, और यह हमारा हो जाएगा चार। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा प्लस एक्स है और यहाँ हमारा है माइनस एक्स, तो हमारा कट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए प्लस वाई और यहाँ प्लस दो वाई, तो एक वाई दो वाई कितना हो गया हमारा तीन वाई हो गया, और यहाँ देखिए हमारा कितना है प्लस एक का माइनस चार है, तो ज़्यादा कौन है माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, चार माइनस चार में से एक को जब क्या करेंगे हटा देंगे चार में से एक को, तो हमारा बचेगा यहाँ पे माइनस तीन बचेगा, और वाई बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों माइनस तीन बच्चे तीन, और जब हम माइनस तीन में तीन से भाग देंगे तो हमको मिलेगा वाई का जो मान मिलेगा वह मिलेगा माइनस एक। तो इस तरीके से बच्चों हमें वाई का मान पता चल गया वह कितना आया हुआ है माइनस एक। अब इसी वाई का मान क्या करेंगे हम समीकरण एक में रख के एक्स का मान प्राप्त कर लेते हैं, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने का। देखिए बच्चों तो x बराबर हमको कितना आ गया माइनस, y का मान कितना मिला है माइनस एक प्लस तीन। अब देखिए बच्चे यहाँ माइनस का मेन माइनस क्या होगा घोड़ा होगा, जब ब्रेकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो एक प्लस यहाँ पे भी हमारा क्या है प्लस, तो एक्स बराबर हमको मिल जाएगा प्लस समान चिन्ह है तो हमारा जुट जाएगा, तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा जो मान मिल गया वह हो गया दो। तो इस तरीके से बच्चे देखिए हमारा जो एक्स का मान मिला इस समीकरण को हल करने पर वह कितना मिला है दो मिला है, और वाई का जो मान मिला है माइनस एक, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या है आंसर है।
तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपके इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके और विलोपन विधि का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सभी सवाल को सॉल्व करना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपका शुरू करेंगे यानी 12.2 और बाकी जितने भी सवाल हैं आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और यदि आपको सवाल में कोई परेशानी होगी तो आप फिर से कमेंट करेंगे तो आपको उस सवाल को बता दिया जाएगा। बस बच्चों आपका क्लास 1 समाप्त होता है और आपको क्लास 1 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।